कंडाघाट के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत सायरी में शनिवार को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री एवं सोलन के विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सभी ने इंदिरा गांधी के बलिदान को याद कर उन्हें नमन किया। कंडाघाट के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत सायरी में देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बलिदान को याद किया गया। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। धनीराम शांडिल ने बताया कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं और उनके बलिदान को याद किया गया। सभी जितने पंचायत के प्रतिनिधि, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष और जितने भी दूसरे कार्यकर्ता, सब यहाँ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उस महान नारी को जो हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही इस देश की, और जिन्होंने अपने जीवन काल में यह बताया कि मातृभूमि की रक्षा और उसके लिए, उसको क्षुण रखने के लिए किन किन बलिदानों की आवश्यकता पड़ती है। और मुझे याद है कि जब ये दुर्घटना हुई थी और जब इन्होंने बलिदान दिया था, तो उस रोज मैं खुद फोर्ट विलियम कैलकटा में था और एक बड़ी सनसनी खबर हम लोगों को मिली। इसी महान नारी ने, जिन्होंने 1971 में एक इतिहास बनाया था और 93,000 पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों को एक प्रकार से कैदी बनाकर, उनसे हथियार डलवाकर और दुर्गा का एक बहुत बड़ा खिताब अपने लिए हासिल किया था, जो बड़े हमारे महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं उन्हें परिभाषित किया था। आज उनके बलिदान दिवस पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सभी ये एक प्रकार से अध्याय लेते हैं, एक आगे के लिए हम इस प्रकार का एक लेसन लेते हैं कि भाई हम किस प्रकार से अपने इस देश को क्षुण्ण, अखंड और इकट्ठा रख सकते हैं। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।